खुश रहो बेटा। खुशी तो नहीं हूँ बाबा मैं, मुझे कोई तरीका बताइए ना जिससे मैं खुश रह सकूं। इसमें क्या है, इच्छाओं के जाल में मत फंसो और दूसरों से उम्मीद मत रखो, हमेशा खुश रहोगे। ये सब कहने की बातें, आप मुझे कोई उपाय बताइए या कोई मंत्र जिससे मैं खुश रह सकूं। ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें कल देता हूँ। हर हर शंभू। अरे क्या हुआ, क्या बना रही हो आज? खीर बना रही हूँ। खीर? कुछ स्पेशल है क्या? वो जो बाबा आते हैं ना भिक्षा मांगने, वो आज मुझे बताने वाले हैं कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। अच्छा, तो एक काम करना, अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना, तो मैं भी थोड़ा खुश रह लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल जरूर बताऊंगी। अरे बाबा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, एक मिनट रुकिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, मैं लेके आती हूँ। रुको बच्चा। ये लो, मुझे इसमें खीर देना। इस कटोरे में? इसमें क्या बुराई है? कितना गंदा है ये, इसमें कौन खा सकता है? आप रुकिए, मैं अंदर से साफ बर्तन में लेके आती हूँ। नहीं नहीं आप रुकिए, मैं हमेशा इसमें भोजन करता हूँ, आप मुझे इसमें ही लाकर दे दीजिए। आप मानेंगे नहीं ना, लाइए, मैं इसी को साफ करके ले आती हूँ। नहीं नहीं मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये जिस तरीके से है इसी तरीके से इसमें लाके दे दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। आप मुझे पाप लगाना चाहते हैं? अगर मैं आपको इसमें दूंगी तो पाप लगेगा मुझे, मैं आपको इसमें नहीं खिला सकती। तो आप मुझे इस बर्तन में नहीं दे सकती? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इतनी देर से बेटा यही समझाना चाह रहा हूँ कि गंदगी लोग बाहर देखते हैं, दूसरों में देखते हैं, इंसान के मन में क्या छल चल रहा है, क्या पाप चल रहा है, कोई नहीं देखता है। इंसान हमेशा दूसरों में गंदगी देखता है। इंसान को अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, इंसान को दूसरों में कभी बदलाव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जितने भी दुख के कारण हैं, काम क्रोध ईर्ष्या, ये सब हमारे मन में है, और जब तक हम मन से इन सबको त्याग नहीं देंगे तब तक हमारे दुख दुख ही रहेंगे, और जब इनका त्याग कर देंगे हमारे दुख सुख में बदल जाएंगे। और तुम इस बात पे गौर करना, जो तुम्हारे दुखों के कारण हैं, वो सब यही हैं, कोई अलग तुम्हारे दुख के कारण नहीं है। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के दुखों का कारण उनका मन ही है, कोई और नहीं। और बस मन को शांत करना सीखो, दुख का नाम जिंदगी से खत्म हो जाएगा, बस सुख ही सुख रह जाएंगे। और मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी। और अब जाओ तुम, तुम्हारा जिस बर्तन में मन करे उसमें खीर लाके मुझे दे दो, और मैं इसे ग्रहण कर लूंगा। अभी लाती हूँ।